हेलो स्टूडेंट, सीएसपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। माई सेल्फ वेद सर। आज बात करने वाले हम क्लास 10th मैथमेटिक्स, उसमें जो चैप्टर है पॉलीनोमियल, उस पर बात करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे आज। पॉलीनोमियल क्या होता है, पॉलीनोमियल व्हाट इज पॉलीनोमियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रीवियस क्लासेज की बात करते हैं, उसमें जो हमने पढ़ा है वेरिएबल क्या होता है। तो एक तो होता है वेरिएबल और एक होता है कॉन्स्टेंट। अब वेरिएबल क्या होता है और कॉन्स्टेंट क्या होता है। तो वेरिएबल इन जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे कि x, y, z, इनसे अपन डिनोट करते हैं अल्फाबेटिक से, x, y, z जनरली लेते हैं, इनकी जो वैल्यू जो चेंज होती रहती है। कैसे कि x is equals to 0, कभी x is equals to -1, x is equals to 2, तो इस तरह से चेंज होती रहती है। y की वैल्यू, z की वैल्यू, तो चेंजेबल होते हैं। तो ये जो क्या होते हैं वेरिएबल, क्या होते हैं वेरिएबल। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। रियल नंबर 3, 4, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। रूट फोर यानी रूट फाइव, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ये वेरिएबल और कॉन्स्टेंट, ठीक है बच्चों। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था वेरिएबल कॉन्स्टेंट। अब ये जो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट है, जब इनका मैथमेटिकल जो ऑपरेशन से अपन एक एक्सप्रेशन गैप करते हैं, कैसे, देखो एक्स प्लस फोर, तो मैंने देखो ये वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट। ये जो प्लस है, इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यानी x के साथ में हमने 4 ऐड करते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन x प्लस 4, यानी प्लस किया, ऐसे माइनस करते हैं तो 2x माइनस 2, तो माइनस साथ में एक्स के साथ में 2 भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये भी क्या है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने लिख दिया 3x, तो यहाँ 3 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये कांस्टेंट और ये क्या है वेरिएबल, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो जो पॉलीनोमियल है वो इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है। अब इसमें वन वेरिएबल की बात करो, जैसे x x लिया है, ऐसे भी हो सकता है x y प्लस 2, तो ये भी क्या हो गया, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें x एंड y दोनों वेरिएबल है, कितने हैं, 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो ये तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब बात करते हैं टर्म, टर्म क्या होते हैं। तो देखो, तो टर्म, अब एक एक्सप्रेशन लिखा मैंने x प्लस 4, तो ध्यान देना यार, ये x के साथ में क्या ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये और ये अकेले, ये दोनों क्या है, टर्म है, ये दोनों क्या है, टर्म। तो ये 2 टर्म्स हो गए, कितने टर्म हो गए, 2 टर्म। ऐसे 2xy प्लस z प्लस 2, कितने टर्म हो गए, 1, 2, 3, तो कितने हो गए, 3। तो ये क्या होते हैं, टर्म होते हैं। अब बात करते हैं लाइक टर्म अनलाइक टर्म। तो देखा होगा कि लाइक अनलाइक क्या होते हैं, यानी वेरिएबल x y, मैंने यहां ले लिया एक y एंड x, क्या दोनों लाइक टर्म हैं, बिल्कुल लाइक टर्म है। कैसे हैं, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x एंड y की जो एक्सपोनेंट पावर है और यहां जो पावर हो क्या है, सेम है, यानी x y, यहां भी y x तो है, तो दोनों एक ही, तो ये क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। मैंने लिखा x स्क्वायर y, एक लिख दिया y स्क्वायर z, क्या ये दोनों लाइक हैं, नहीं, ये क्या है, अनलाइक। ये क्या है, अनलाइक टर्म, यानी x और x क्यूब लाइक नहीं है, ये क्या है, अनलाइक है, क्योंकि यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर क्या है इसकी, 1 है, क्लियर। तो ये क्या है, अनलाइक टर्म। तो ये भी देखो बेसिक चीजें हैं, लाइक अनलाइक टर्म। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक लिया मैंने 2x, ठीक है,
ये टर्म्स बेसिस ऑफ टर्म्स के बाद देखते हैं अपन। तो यहाँ ओनली वन टर्म है, इसके साथ कुछ भी ऐड वगैरह यानी प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा, ओनली सिंगल ये है। जो सिंगल है इसका मतलब इसको अपन बोलते हैं मोनोनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? मोनोनोमियल। क्लियर? अगर 2x प्लस 4 कितने टर्म्स हो गए? 1 और 2 इन टू टर्म्स हो गए। इसमें टर्म्स कितने थे? 1। यहाँ टर्म्स कितने हो गए? 2। तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या होता है ये? बाइनोमियल। क्लियर? ऐसे ही थ्री टर्म्स, 3xy प्लस 2x प्लस 3z, यहां पर कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइनोमियल। तो ये ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल। तो अब ये इसमें तो वेरिएबल है, जैसे एक्स भी है, वाई भी है, जेड है, लेकिन अपन सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं। जैसे मैंने लिया 2x, 2x और 4, तो ऐसे आ जाएगा 2x, 2x प्लस 4, ये 1, तो मोनोमियल, ये क्या हो गया? बाइनोमियल। अब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 कितना हो गया? ये 1 वेरिएबल में ही है, यानी x वेरिएबल है, तो 1, 2, 3, 3 है, तो इसका मतलब कितना हो गया? ये ट्राइनोमियल। तो ये जो सारे होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीनोमियल। ये क्या होते हैं? पॉलीनोमियल। यानी ये भी क्या हो गया? पॉलीनोमियल। ये भी क्या हो गया? पॉलीनोमियल। ये भी क्या हो गया? पॉलीनोमियल। यानी एक एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में राइट होते हैं, तो वो क्या होते हैं? पॉलीनोमियल होते हैं। अब इसका एक देखते हैं अपन किस फॉर्म में लिखा होता है अपना ये पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा। तो देखते इसको अपन डिनोट करते हैं पी एक्स, यानी पॉलीनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। यानी अपन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो पॉलीनोमियल वन वेरिएबल एक्स में, ए एन एक्स रेस टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन, इस तरह से अपन चलते हैं आगे, प्लस ए वन एक्स प्लस ए। तो ये एक अपना क्या है? पॉलीनोमियल। क्योंकि यहां पर ये इसकी फॉर्म में है, तो ये जो ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए वन, ये जो है अपने पास में, यानी ए एन माइनस वन, ए वन, ए, तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर। और अब ये यहां से ए एन है वो इस एक्स की पावर एन, यानी इसका क्या है? कोफिशियंट। ये क्या है इसका? कोफिशियंट, न्यूमेरियल कोफिशियंट होगा, क्योंकि जो न्यूमेरियल होंगे यहाँ पे रियल नंबर होंगे, तो ये क्या इसका? कोफिशियंट। तो इसका मतलब ये क्या? कोफिशियंट भी हो गई। जैसे ए वन है, एक्स का क्या है? कोफिशियंट है। ए क्या हो गया यहाँ? ये कांस्टेंट हो गया। ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। और जो ऊपर जो एक्स की पावर जैसे एन है, ये जो एक्सपोनेंट होते हैं, ये क्या होते हैं? इसकी डिग्री। यानी ये क्या है? डिग्री, एन डिग्री का है। ये क्या है? डिग्री, इसकी एन, एन डिग्री का है। अब डिग्री क्या होती है? अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होती है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलीनोमियल, एक पॉलीनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ जो हाईएस्ट पावर है इस पॉलीनोमियल की, तो वो क्या है? एन। तो ये एन क्या है? इसकी डिग्री। ये क्या होगी? इसकी डिग्री होगी। क्लियर? तो ये एन डिग्री का एक पॉलीनोमियल हो गया। इसमें ए एन, ए एन माइनस वन, ए वन, ये क्या है अपने पास में? कोफिशिएंट आएंगे, यानी कॉन्स्टेंट भी है, रियल नंबर है। और जो एक्स पावर एन है, तो इसमें एन क्या होगी? डिग्री होगी। ठीक है बच्चों, तो ये होगी इसकी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल की बात करेंगे, उससे पहले अपन टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल पे बात करते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल में और थोड़ा देखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। तो देखो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक ये ले लिया हमने पॉलीनोमियल px। ठीक है, अदर पॉलीनोमियल को अपन gx से भी नोट कर सकते हैं, यानी g x यानी मतलब वेरिएबल x होगा इसमें भी, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अदर ले लिया जैसे qx 3x प्लस 4, आर एक्स 3। तो इस तरह से ये देखो,
ये भी एक पॉलीनोमियल है, ये पॉलीनोमियल है, ये पॉलीनोमियल है, और ये भी क्या है, पॉलीनोमियल है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इस पॉलीनोमियल की बात करते हैं, तो इसमें जो वेरिएबल एक्स है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री। हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो गई, थ्री। इसकी डिग्री कितनी है, थ्री। इस पॉलीनोमियल की बात करते हैं, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, टू। यानी हाईएस्ट पावर टू है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, टू। इसमें जो वेरिएबल एक्स है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, वन। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, वन। और ऐसे ये जो है इस पॉलीनोमियल में एक्स की पावर कितनी है मैक्सिमम, आप बोलो सर इसमें एक्स है ही नहीं, इसका मतलब उसकी पावर तो होगी, तो पावर कितनी है, उस पावर बता सकते हैं अपन एक्स की पावर जीरो। अब एक्स की पावर जीरो का मतलब कितना हो गया, वन ही होता है, वन। तो अपन अगर इसको ऐसे मान लेंगे एक्स की पावर जीरो, तो थ्री इंटू एक्स पावर जीरो मतलब वन हो गया, वन हो गया थ्री इंटू वन यानी वन। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स की पावर जीरो है, तो जो वेरिएबल एक्स है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, जीरो। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, जीरो। कितनी हो गई डिग्री, जीरो। क्लियर, इसकी डिग्री कितनी हो गई, जीरो। तो इस डिग्री के बेसिस पे ही अपन टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। तो ध्यान दे बच्चों, तो ये तो हो गई डिग्री, यानी हाईएस्ट जो पावर होगी वेरिएबल की वही क्या होती है, डिग्री होती है। क्लियर, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, तो बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के बेसिस पे अपन टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल देखते हैं। तो सबसे पहले आता है लीनियर, लीनियर पॉलीनोमियल। तो लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है, तो देखो ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री वन होगी, जिसकी क्या होगी, डिग्री वन। यानी इसमें जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, वन। यानी इसकी डिग्री वन होगी, तो वो क्या होता है, लीनियर पॉलीनोमियल। तो यहां पर एक्स प्लस फोर, इसमें वेरिएबल एक्स है, इसकी पावर कितनी है, वन। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, इसमें इसकी डिग्री कितनी है, वन। ये कौन सा हो गया, लीनियर पॉलीनोमियल। क्लियर, ये क्या हो गया, लीनियर पॉलीनोमियल। सेकंड देखते हैं अपन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो क्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेट, क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। और इसका मतलब हो गया कि पावर टू होगी, यानी उसमें जो डिग्री होगी कितनी होगी, टू। तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, टू। तो यहां से अगर अपन लेते हैं एग्जांपल, तो px = 2 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो इसमें पावर कितनी है, मैक्सिमम 2। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, बताओ, 2। डिग्री 2 हो गई, यहां x स्क्वायर हो रहा है, पावर 2 है, तो क्वाड्रेट, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलते हैं इसको। लीनियर यानी इसकी वेरिएबल पावर कितनी है, 1। इसमें जो वेरिएबल उसकी पावर कितनी है, 1, यानी डिग्री 1 है। जिसकी डिग्री 1 होती है वो होता है लीनियर, जिसकी डिग्री 2, क्वाड्रेटिक। ऐसे ही क्यूबिक, क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल की बात करते हैं, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा px = 2 x³ + 2x² + 4x + 2। अब इसमें देखो डिग्री कितनी है इसकी, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। तो ये कौन सा हो गया, क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्लियर, नेक्स्ट लेते हैं अपन जीरो पॉलीनोमियल। जीरो पॉलीनोमियल से पहले लेते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल। कांस्टेंट पॉलीनोमियल, तो बच्चों कांस्टेंट पॉलीनोमियल क्या होता है, तो देखो हमने देखा कि जिसकी डिग्री वन होगी लीनियर, डिग्री टू है क्वाड्रेटिक, थ्री है क्यूबिक। अब मतलब जिसकी डिग्री जीरो होती वो क्या होता है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल। तो डिग्री जीरो कैसे होगी, जैसे हमने ले लिया पी एक्स इजिकल्स टू फाइव, यानी फाइव यहां पर रहते हैं, पी एक्स इजिकल्स टू फाइव। तो ये जो पी एक्स इजिकल्स टू फाइव, यहां पर वेरिएबल एक्स उसकी पावर कितनी है, जीरो। यानी जीरो है, तो इसमें भी कौन सा हो गया,
डिग्री जीरो हो गई, डिग्री जीरो हो गई तो ये कौन हो गया, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, कौन सा हो गया, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। अब एक आता है जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है अपने पास में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी पी एक्स इजिकल्स टू जीरो हो गया, यानी पॉलिनोमियल ही क्या हो जाता है यहाँ पे, जीरो हो जाता है। इसकी फॉर्म की बात करें तो जैसे ये इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह से होगी, पी एक्स इजिकल्स टू ए, ए क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है, यानी ए नॉट इक्वल टू जीरो, बट जब ए इसमें जीरो हो जाएगा, यानी ए इजिकल्स टू जीरो हो गया, तो पी एक्स इजिकल्स टू जीरो, यानी पॉलिनोमियल भी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो पॉलिनोमियल जीरो हो गया, तो वो क्या हो जाता है, जीरो पॉलिनोमियल। इस तरह से पॉलिनोमियल के टाइप्स हो गए। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में इतना ही काफी है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होता है, पी एक्स इजिकल्स टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक की बात करें अपन, तो पी एक्स इजिकल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ भी ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स खत्म हो जाएगा, जबकि पावर टू मैक्सिमम पावर टू है तो इसमें क्वाड्रेटिक है। ऐसे ही क्यूबिक की बात करेंगे तो पी एक्स इजिकल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये किसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ये लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। कांस्टेंट का भी बताया था कि पी एक्स इक्वल्स टू ए, एंड जीरो पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरह से अपना ये इंट्रोडक्शन शुरू होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंट पे बात करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उस पर बेसिस पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।